प्रेम सिंह सिरोही, आप देख रहे हैं मेरे साथ डीडी भारती न्यूज। प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय में आज 10 बजे से मतगणना शुरू हुई है, जिसमें छिपा विरोध पुलिस और प्रशासन के बीच, वहीं कोटा से आए निर्वाचन आयोग द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाया गया। साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से आज मतगणना हुई, जिसमें कुल 349 वोट पड़े थे, जिनमें से 214 मत एबीवीपी के हेमंत मीणा और 91 मत निर्दलीय रवि मीणा को मिले। साथ ही 34 मत से एनएचयूआई के गोलू भील को मिले। साथ ही 9 मत रिजेक्ट में निकले गए हैं। वहीं सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। आप भारी मतलब जी हो, उसका श्रेय किसको देना चाहिए? महाविद्यालय चुनाव संपन्न हुए, इनको लेकर आपकी क्या क्या तैयारियां थी सर? देखिए, तैयारियां पूरी कर ली थी हमने, है ना, कोटा से आए। हालांकि और शांतिपूर्वक जो चुनाव है वो हो गया। जो यहां पर अध्यक्ष पद के लिए जो है हेमंत मीणा गढ़ का विजय हुआ है, और वो 123 मतों से विजय हुआ। 3 पद हैं, उपाध्यक्ष पद और महासचिव और संयुक्त सचिव, ये तीनों पर निर्विरोध हुए। उपाध्यक्ष पर वर्षा नागर, महासचिव पर कीर्ति मोरा और संयुक्त सचिव पर रवि गोस्वामी। शांतिपूर्वक इसमें प्रशासन का सहयोग रहा और आप लोगों का बहुत सही, मीडिया का भी काफी सहयोग रहा। सर, आपको कहीं लगता है कि यहाँ पे जैसे निर्वाचन जो आप लोग गए अधिकारी, इनसे कहीं कोई चूक भी हुई है? कोई चूक नहीं हुई सर, मरो को भी आदमी है सर, 20-22 साल में 25 साल की नौकरी है, ऐसी कोई चूक नहीं हुई। हम फिर हुआ, हम सब पत्रकार यहाँ पे सवेरे 10 बजे से खड़े जी जी, ठीक है। आपने अब घोषणा करी है कि कौन कितने मतों से, उससे पहले ही यहाँ पे 1 घंटे पहले बाहर से किसी पत्रकार द्वारा डिक्लेयर कर दी गई जीत की। ऐसा है सर, ऐसा है, हमारी तरफ से कोई नहीं गया, हमने सब लोगों को मोबाइल अंदर रखा है। 4 लोग हैं, 4 लोगों को हमने काउंटिंग लिया, कोई बाहर अंदर नहीं गया। ये रूमर है, बाकी कुछ नहीं हमारी तरफ से। हुआ है सर, आपको गिरा जाएगी सर, बाकी वोट सबके सामने, सबके बच्चों के। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।